सी खवातीन देख रही हैं, क्योंकि इनको ये जो ये दूसरी बीवी का ये जो सारा जो है ना काम Politics, ये सारी सियासत दो बीवियों के बीच में उनको बड़ा मसाला में बड़ा मजा आ रहा है. एंड आई कीप सेइंग माय मदर इज वाचिंग इट, आई यूज्ड टू से व्हाई आर यू वाचिंग इट मम्मी, सेइंग नो नो इट्स वेरी दिस इज एग्जैक्टली हाउ दे डू इट, दिस इज हाउ दे आर, इट्स सो ट्रू टू लाइफ. तो बेसिकली वो खवातीन देख रही हैं, उनको ये बड़ा मजा आ रहा है देखने में कि दो बीवियों के बीच में क्या होगा. एंड ओवरऑल राइटिंग हैज आल्सो इम्प्रूव्ड, प्लॉट हैज इम्प्रूव्ड, एंड अब आई हैव गॉन बियॉन्ड थिंकिंग कि हरीम इज अ मिसकास्ट, यू नो अब कहानी में हम इन्वॉल्व हो चुके हैं. तो स्लो एंड स्टडी पहुंच गए कहीं बिस्मिल और काम भी अच्छा लग रहा है लोगों का इसमें. तो आई थिंक इट्स फॉर मी नाउ इट्स दिस. यार एक्सप्रेशन में तजाद है तुम्हारे और नंबर. नहीं नहीं, नंबर तो मैंने देने ही 7 थे, लेकिन वो एक्सप्रेशन ज्यादा हो गया. अभी भी मैं इस पे तय हूं कि वो उन्होंने नहीं लिखा. आई थिंक इट्स अ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट. मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इट्स डिफरेंट, इट्स बोल्ड, इशूज हैं, बट मुझे ज्यादातर लगता है कि स्क्रिप्ट ठीक थी, डायरेक्शन में प्रॉब्लम आई थी. यू नो इट हैजंट बीन हैंडल्ड वेल in a lot of areas. I think script wise it's okay, because single story type track rakhna aasan kaam nahi hota, aur phir bhi engage rakhna aapko. This is actually harder to write than the 5-6 tracks running na. Beta background mein chala gaya thoda, she's right, because beta ka ek bada strong character tha with his fiance and the impact on the family and all. Bete ko background mein karke unhone ye triangle pe chale gaye zyadatar. Which is fine. I mean, that's a writer's choice. Okay, I want to go. Humsafar was a single track story. It's fine. You know, ऐसे होता है. बहुत बड़े hits हो जाते हैं ये drama. तेरे बिन वैसे. हाँ, इसमें बेटा नहीं था ना, इसमें मूसी तो नहीं था. इधर मूसी है जिसको सब भूल गए हैं. हाँ, वो background में चला गया था, लेकिन otherwise I think देखिए main चीज़ ये है कि लोग देख रहे हैं. बिल्कुल. Which means कि it's working. And so I think I would give it an 8. मुझे लग रहा है कि हरीम का बड़ा आइकॉनिक करेक्टर बन जाएगा ये हरीम के करियर में. क्योंकि मुझे लास्ट ड्रामा हमने काफी अरसे उनका कोई नहीं देखा. कभी कभी आप एक बड़े एक सोशल मैसेज के साथ जबरदस्त चीज करते हैं, नहीं दो लोग देखते. हाँ. 22 कदम बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगा था. तो लेकिन ये जो मिर्च मसाला है ना, बिकता ये है भाई, क्या करें, लोगों को चाहिए ये. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग की कैटेगरी में 22,300 हुए हैं, और बिस्मिल से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 1,018, 5% बनते हैं, 0.5 इनको मिले हैं. तो अब बात कर ली जाए डायरेक्शन की. एहसन तालिश, नादिया. एहसन तालिश, पहले तो वो मैं वो उसी सीन से शुरू करूंगी जो इंस्पेक्टर क्लूजो का था. मार्था ने हायर किया होगा बेस्ट डिटेक्टिव एजेंट को, आई एम श्योर, और वो इतनी करीब से उसको मतलब चेक कर रहा था. वो शॉपिंग कर रही थी पर टक्कर नहीं हुई. वो चेक कर रहा था. हाँ, चेक कर रहा. मतलब उसने नजर रखी हुई थी, प्लीज डोंट, प्लीज बैब. मैं ये बात नहीं कर रही. उसने कहा ये बच्ची ठीक नहीं है. देयर्स फ्लॉज, कंटिन्यूटी फ्लॉज हैं, और ओवरऑल यानी कि अब देखिए मार्केट में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई यार, इतने अच्छे फ्रेम, इतनी अच्छी लाइटिंग, एंगल्स. आई थिंक हमारे डायरेक्टर्स को बाकी डायरेक्टर्स का काम देखना चाहिए. बिल्कुल. देखें कि मतलब अब आप देखें ना, जब आप खई जैसा ड्रामा देखते हैं कि स्टैंडर्ड कितने हाई हो चुके हैं. नहीं, आप सिर्फ नूरजहां पे रुक जाएं. हाँ हाँ हाँ, नूरजहां पे फैमिली स्टोरी. हाँ, फैमिली ड्रामा, ड्राइंग रूम, दीवारों के अंदर घर, गाड़ियाँ, यही है ना फैमिली ड्रामा. लुक एट द फ्रेमिंग, लुक एट द लाइट. तो आप उस लेवल पे अगर हम लेट्स हाई एंड ऑल, तो इज ऑन अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. लेट्स टॉक अबाउट फैमिली ड्रामा इन डिफेंस ड्राइंग रूम्स. सो इजी टू डू. It's so easy to do. I think what's working is the story now, the concept, the conflict between the women. That's what's working now. क्योंकि इसमें hook है. Direction is pretty is lacking a lot of things. I feel बहुत कुछ हो सकता था. देखिए वो जो confront भी किया है, जब सवेरा आती है घर के अंदर, it was a very simple. It's such a big moment in the story. मुझे मैं खुद I was expecting कि थोड़ा bang होना चाहिए था कुछ. They're just walking in hallway में walk कर रहा है, फोन पे मुड़ता है, वो सामने से आ जाती है. It could have been built into something more. I feel that's a big turning point. It was the turning point of the whole story.
तो आई फील डायरेक्शन इज लैकिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ स्टफ, लेकिन अदरवाइज स्टोरी इज वर्किंग नाउ. तो आई थिंक आई वुड गिव इट अ 7. ऑडियंस को चलते हैं जी. टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में 20,400 हुए हैं. क्योंकि ये अगर एक सीन आता ना इसमें बड़ा मजा आता कि भाई ये तुम तो कुछ और पहन के गए थे सुबह, वो कह देता फिर कि मैंने दफ्तर में चेंज कर लिया जो भी टू गेट, बट दैट वुड मेक अ मोर सस्पिशियस. शी सादिया इज राइट. और हम औरत को ना दूसरी औरत की ना एक बदबू कह लें, खुशबू कह लें, कुछ भी कह लें, आ जाती है. खड़े होते हैं ऐसे. We don't know how it happens, but होता है. I don't know if you've been through it. I don't know if you've been through it. I have been through it. Oh. ऐसे एंटेना खड़ा होता है. तो दीदी जी हुआ कभी ऐसा कि ऐसा आपको फील हो रहा और एक्चुअल ऐसा चल रहा हो? मुझे तो कैसे पता चलता है? कैसे? क्या चीज पकड़ी? अरे तो पकड़े जाते हैं. चलन से पता चल जाता है. आंखों का उठना बैठना और तरीके से पता. अगर आपका मियां या बॉयफ्रेंड है जो भी सुस्त है और एकदम से जिमिंग शुरू कर दी उसने, या जाके उसने कपड़े अपने नए खरीद लिए, या एटीट्यूड चेंज हो गया इवन टुवर्ड्स यू. अक्सर ये होता है कि जब आदमी एक लव अफेयर में होता है ना, तो इतना खुश हो जाता है कि वो बीवी को भी अच्छा संभाल रहा होता है, भी अच्छा नाइस टू मी. व्हाई? एक गिल्ट भी आ जाती है, तोहफे आने शुरू हो जाते हैं. तो इसमें भी यही हो रहा था ना, गिल्ट गिल्ट होती है. अंगूठियां थे तो वो वुमन विल पिक अप इन, इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग लिपस्टिक ऑन द कॉलर और अबाउट हर स्मेल. नो, इट्स हाउ ही बिहेव्स दैट गिव्स अवे द फैक्ट दैट देयर इज अनदर वुमन इन हिज लाइफ. यानी कि अगर हस्बैंड ओवरली स्वीट हो जाए तो समझ जाएंगे कुछ गड़बड़ चल रहा है. वो तो ऑफकोर्स 100% हस्बैंड ओवरली स्वीट होते क्यों है अदरवाइज? दूसरा चक्कर चल रहा है, दूसरी शादी है. जब वो थोड़े वो सड़े हुए होते हैं ना, दैट मींस बेचारे यू नो दे ओके सेफ सेफ. इट्स व्हेन ही स्टार्ट्स टू बिहेव लाइक अ रियल यू नो आई लव यू डार्लिंग, दैट इज व्हेन यू हैव टू बी. लेडीज लिसन टू मी, इफ योर हस्बैंड स्टार्ट्स बिकमिंग सुपर स्वीट टू यू, बी सस्पिशियस. There's something going on in the background. खवातीन किसी हाल में खुश नहीं है. अगर गड़ू से तब भी खुश नहीं है, सुपर स्वीट है तब भी खुश नहीं. डोंट यू एग्री? हां बिल्कुल. प्लीज सोए तो एग्री ना करें. बिल्कुल हमें हमें मर्द के तौर तरीके से समझ आ जाए कि गेम क्या है. और एक सीन बस, अगर जंजबील एक सीन अगर होता शायद लिखा, लेकिन शर्ट चेंज हो गई ना, सुबह कहीं गया था शाम तो रंगों से आगे भी कोई बात हो, और सबूत भी होना चाहिए था. शर्ट्स कुछ सिचुएशन बहुत सारी हो सकती है, बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. बिकॉज देखिए बाल बाल भी बचते, वो कभी ये बच जाते नहीं. कमर की दर्द से शक हुए नहीं, बट आदमी जब दो दो घर चला रहा होता है ना, वो पैनिक में रहता है, कंफ्यूजन में रहता है कि यार यू नो आई मीन यू फॉरगेट स्मॉल डिटेल्स दैट वुमेन पिक अप ऑन यू नो. ब्रूफिन का अब ये उसी लाइन है नुमान एजाज की. इस ड्रामे में ना यही कमाल है, ऐसी ऐसी लाइनें डालते हैं कि आप कहते हैं क्या हो रहा है यार. एक लाइन मुझे भी याद है, मैं अभी आपकी बात नहीं काटूंगी, पहले आपका कलम बात. नहीं नहीं ठीक है जी, आपका आपके आके आएंगे. ये क्या, ये भी एक साइन है? हां है है. ये देखिए ना, कमर में दर्द क्यों हो रहा है? ठीक है जी, कितने मजे से वो कहते कहती है कहते कि कहती क्या बात है, बड़ी जवानियां चढ़ी हैं तुम्हें. कहते जी हां, तुम्हें ही फील नहीं हो रही, बाकी तो सबको. ये लाइन थी ना, वो जब वो कहते नहीं है कि वो शर्टें आती हैं, बड़ी जवानियां चढ़ रही हैं तुम्हें, वो फ्लड कर रहा होता है बेगम के साथ. नहीं, बट जवानियां चीजें होती हैं, ये चीजें होती हैं. एनीवे, कमिंग टू सवेरा, सॉरी आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, आई हैड टू ऐड माय डियर. यस, अच्छी डिस्ट्रैक्ट नहीं, मजे की थी जी. बट ये है कि सवेरा इज अ फैंटास्टिक आर्टिस्ट. यस, आई लव हर वर्क, आई लव एवरीथिंग. जाने जहां में भी इतना अच्छा काम किया सवेरा ने, इसमें भी, एंड आई एम रियली एंजॉयिंग हर रोल इन दिस मैन more than anybody else. Yes. But I feel she's just natural, she's subtle, she's classy. Wo apne character ke andar reh rahi hai, wo nikli nahi apne character se kisi bhi. I mean she's understood ki nuances kya hai is character ke, aur jo bhi unko mila hai limited, chahe writing ho ya direction ho, usme unhone bahut acha kaam kiya hai. Really 9. Audience se chalte hain ji. Total vote jo cast 24,600 hue hain. और सवेरा नदीम के हिस्से में आए 1372, 6% बनते हैं, 0.6 इनको मिले हैं. मुझे सिर्फ ये हो रहा था कि उनके ऊपर एक बम नहीं गिरा. हाँ. उन पे दो बम गिरे हैं. दूसरा कौन सा? पहले तो ये कि दूसरी अफेयर चल रहा है और फिर किससे चल रहा है वो इंटेंसिटी
somehow director ko shot hi nahi they have shot it well na wo jab when she walks into the house रोजी ने तो पहले जाके बता दिया था तो वो जो इम्पैक्ट आना चाहिए था रोजी को उस वक्त नहीं बताना चाहिए था या आई डोंट नो कुछ ऐसा होता है कि वो पहले उस घर को डिस्कवर करती और आपकी स्टोरी लेके भी वहीं पे जा रही है कि मार्था के डॉक्टर उसने कौन है वो इंस्पेक्टर अच्छा उसे ढूंढ लिया घर उसके बाद सोचे वो इंटर होती उसके ये मेरा हस्बैंड इस घर में मौजूद है जहाँ ये लड़की रहती है वो उसको देखती फिर एक फ्रेम होता है लड़की आती है इसको एक्सपोज करने के लिए मार्था का और इसका ये कहना चाह रही हूँ मार्था आई एम रियली लाइक Rabia बहुत अच्छी है वेरी गुड Rabia शी इज माय फेसबुक फ्रेंड Rabia बहुत मजे की है शी इज डूइंग सच अ गुड जॉब एज मार्था बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छी एक्टिंग की इसने और अपनी एज से बढ़ के इतना ओल्ड औरत का रोल करना Rabia ने बहुत अच्छा काम